नमस्कार हजारे डांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। अमन तालवेट का पशु चिकित्सालय दिखाते हैं। सुबह का वक्त है, ये जो मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं तालवेट का पशु चिकित्सालय है। इसकी जो दरो दीवार है ये कहानी कह रही है, पर महीनों से ना तो किसी पशु का यहाँ पे इलाज हुआ होगा। ऐसा लगता है कभी यहाँ दवाएं भी ग्रामीणों को बरतनी होंगी पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए। ये जो अस्पताल की स्वास्थ्य पशु विभाग का जो अस्पताल है इसकी कहानी हम आज आपको बयान करके दिखाते हैं। इसके चप्पे चप्पे से आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ संदीप कौशिक, हम बता दें इनका नाम है, केवल दीवार पर अंकित है संदीप कौशिक, पशु चिकित्सक है। केवल नाम भर के लिए इनका काफी है, इनका नाम लिखा रहता है तो नहीं काफी है कि इनकी मौजूदगी हो जाती है और ये तालवेट के पशु चिकित्सालय में आ जाते हैं। एक कुर्सी दिखा रहे हैं हम साफ तौर पर, मॉनिटर स्क्रीन पर देखिए। ये गांधी जी देख रहे होंगे, शायद इन्हें भी दुख हो रहा होगा कि हमें यहाँ बिठाल गए हैं और खुद जाने कहाँ चले गए हैं। मतलब गांधी जी को तो मौजूदगी तस्वीर के रूप में इस पशु चिकित्सालय में आप देख सकते हैं कि गांधी जी की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। लेकिन अगर चिकित्सक की बात करें तो ये कुर्सी खाली रहती है। ये कितनी खाली रहती है, हम पहुंचे आज, हमने आज देखा, हमने विगत दिवस इसको देखा कि ये खाली है, पर इससे पहले कितनी बार खाली रही, आए ना आए। पर नाम दीवार पर कहें तो संदीप कौशिक बड़ा लिखा हुआ है, कागज पर चिपका दिया गया है। मानो कि ये आ गए, नाम लग गया, समझो इनकी हाजिरी लग गई। नंबर पट्टिका से ही अगर पशु चिकित्सालय चलता है तालवेट का, तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना खर्चा और इतना लाखों रुपए का खर्च दवाइयां लाना, शायद ही इस पशु चिकित्सालय में महीनों पहले कोई इलाज हुआ होगा। यहाँ पर जो तैनात है केवल खुल जाता है, यहाँ पर रहता है या नहीं रहता उसका भी पता नहीं रहता है। केवल दरवाजे खोल के साफ सफाई करके चले जाते हैं, शाम को बंद कर देते हैं। और यही अस्पताल बैठ के पशु चिकित्सालय की कहानी है। हम बता दें अगर गवर्नमेंट की लाखों रुपए की तनख्वाह पाने वाले पशु चिकित्सक की बात करें, चाहे यहाँ के कंपाउंडर की बात करें, किस लिए तैनात है तालवेट के पशु चिकित्सालय में बताइए। कितना इलाज करते हैं, इनका कोई हिसाब ले जाता है, इनका कोई देखने वाला होता है। जिले के अगर हम अधिकारियों की बात करें तो वो भी कभी 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 उन्होंने कितने बार तालवेट पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया होगा, कभी वो भी बता सकते हैं कि उन्होंने कितने बार किया होगा, उन्हें भी इतनी फुर्सत नहीं है। तो तालवेट जो पशु चिकित्सक है उनको क्या पड़ी है। हम बता दें कि तालवेट का जो पशु चिकित्सक है महज 100 पीस है, और यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हैं ये केवल आप केवल धराशायी होने की कगार में है, और महज एक अवशेष बचे हुए हैं। आप देखिए एक केवल यहाँ पर जो साढ़ घर दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रजनन केंद्र बना हुआ था और ये महज एक 100 पीस बना हुआ है और महज गिरने का इंतजार कर रहा है। ये केवल खंडर के रूप में तब्दील होता जा रहा है तालवेट का पशु चिकित्सालय, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो सचल दल हम गाड़ी दिखा रहे हैं आपको मॉनिटर स्क्रीन पर, ये मॉनिटर स्क्रीन पर आप गाड़ी देख रहे हैं, बताइए इस गाड़ी के अंदर देखिए, ये सचल दल हो सकता है? इसके अंदर क्या है बताइए, क्या रखा है, क्या सुविधाएं हैं, कांच टूटा हुआ है, चलने लायक है क्या जी? ये कब चलती है इसका कोई पता है या ऐसे रखी रह जाती है? ये सचल दल चलने लायक है? ये सब सवाल हम आपसे पूछते हैं। तालवेट का जो पशु चिकित्सालय है महज 100 पीस बना हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई निरीक्षण करने वाला है। महज सुबह खुलता है शाम के बंद हो जाता है, और यहाँ कोई आता है इलाज कराने, पशु किसान आते होंगे, शायद ही इनका रजिस्टर मेंटेन होता होगा, इनकी जांच होना चाहिए बड़े स्तर पर, क्योंकि ये सरकार की मोटी रकम लेते हैं, ये तनख्वाह लेते हैं तभी इन्हें बड़ी रकम मिलती है। हम बता दें मोटी तनख्वाह मिलती है, पर इन्होंने कितने पशुओं का एक दिन में इलाज किया, शायद इसका लेखा जोखा लेने वाला कोई नहीं है। जो पशु चिकित्सक हैं, जो कि इन पर हमारे जो प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो पशुओं की, जो हमारे कृषकों की योजनाएं हैं, हमारे जो अन्नदाताओं के लिए योजनाएं चलती हैं, उनको ये पलीता लगाने में तनिक भी देर नहीं कर रहे हैं। और आज ये हकीकत हम तालवेट के तालवेट पशु चिकित्सालय की दिखा रहे हैं, और आगे भी अगर यहाँ पर चिकित्सक नहीं आते रहे तो आगे भी इनकी खबरों को हम उजागर करते रहेंगे, इन्हें बेनकाब करेंगे, क्योंकि ये हम और आपकी सेवा के लिए, एक किसान अन्नदाता के सेवा के लिए हैं। और अगर ये तनख्वाह वसूलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इन्हें काम करना होगा, और इस तरह से खाना पूर्ति से कहीं ना कहीं ये प्रशासन की आंखों में तो धूल झोंक ही रहे हैं।
ये जो हमने दिखाए सारे वीडियो ये बनाए हुए हैं और आगे भी हमें बताते हैं ये कितना इसको प्रशासन को ध्यान देना होगा, इनके उच्च अधिकारियों को जरूर ध्यान देना होगा कि कितनी बार उन्होंने इस चिकित्सालय का निरीक्षण किया, इसका भी उन्हें जवाब देना होगा। जिले के जिले पर बैठे अधिकारियों से कि उन्होंने कितने बार इस चिकित्सालय का कितने बार निरीक्षण किया। हालांकि हम बता दें तालगढ़ का जो पशु चिकित्सालय है अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, यहाँ पर ना आपको कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना पशुओं को कोई सुविधा मिलती है, ना किसानों को कोई सुविधा है। आप खुद देख सकते हैं दवाएं कहाँ बढ़ती हैं क्या है, सब ताला लगा हुआ है और आप खुद देख रहे हैं। और सुबह से शाम महज एक बिल्डिंग कहे केवल आने जाने के लिए बना हुआ है। हालांकि हम बताएं कि हम तालगढ़ के जो पशु चिकित्सालय है तालगढ़ के किसानों के लिए उनके दरवाजे तक स्वास्थ्य सेवाएं जो पशुओं को मिलना चाहिए वो पहुंचना चाहिए, उनकी लड़ाई को लड़ते रहिए और किसानों को उनकी जो तालगढ़ का पशु चिकित्सालय है इसमें तैनात चिकित्सक कितना आते हैं इसका अधिकारियों को चेक करना होगा, निरीक्षण करना होगा। ये सवाल या निशान आज हम छोड़ के जाते हैं, प्रतिनिधियों की निगाह इस जगह क्यों नहीं पहुंचती कि ये अस्पताल बने हैं, यहाँ चिकित्सक आते हैं कि नहीं आते हैं, अधिकारी चेक करने आते हैं, ब्लॉक चेक कर जाते हैं, पर कान पर बना हुआ ये पशु चिकित्सालय चेक क्यों नहीं करते हैं? क्या यहाँ कोई चेक करने लायक नहीं है या उसकी जरूरत नहीं समझते? फिलहाल ये अनसुलझी हुई पहली तालगढ़ का पशु चिकित्सालय अपने आंसू रोता हुआ हम आपको छोड़ते जा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।